हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। ये है ध्येय आईएएस की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का, उसी के लिए साथियों आज की हमारी ये पांचवीं टेस्ट सीरीज है। बहुत बेहतरीन साथियों इस मायने में बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इसमें जितने के जितने प्रश्न हैं आपको बता दें, इसमें 150 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज है और जितने के जितने प्रश्न हैं सब इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से हैं। तो साथियों इस साल आपको मालूम है चुनाव हुआ था और चुनाव में बहुत सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आई, तो आपको मालूम होगा कि आजकल जो प्रश्न का नेचर है, क्वेश्चन आने की जो नेचर है वो इस टाइप का हो गया है कि वो करंट से जोड़ देता है। आपके जीएस को भी करंट तो आता ही है, लेकिन आपका जो जीएस पूछता है ना उसको भी करंट से जोड़ देता है। यानी आप करंट से परिचित नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमें जीएस का कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, कौन सा टॉपिक पे नहीं। तो साथियों आप लोग का सबसे बड़ा दायित्व यही बनता है कि आप लोग करंट से परिचित जितना रहेंगे उतना ज़्यादा टॉपिक को समझ पाएंगे कि हाँ इस कोने से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। तो साथियों इसमें आपको इंडियन पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे और आपको कहीं कहीं जो है वो करंट अफेयर के भी मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न होगा साथियों। टेस्ट सीरीज ध्येय आईएएस की है, आप लोगों को मालूम होगा ध्येय आईएएस कितनी विश्वसनीय संस्था है। तो साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करिए। एक एक प्रश्नों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, सिर्फ आपको सुनना है अच्छे से। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर साथियों। इसमें आपसे पूछ रहा है आप उस अनुच्छेद को बताइए जिस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है और संघ सरकार को कहा गया है कि आपका कर्तव्य है कि आप हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए आप समुचित प्रयास करें जिससे पूरे देश में हिंदी की महक फैले, लोगों को इस भाषा को अच्छी सी समझ हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 351। देखें आगे हम लोग बढ़ें। दूसरे में साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ी गई थी। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा ये जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन्हीं को रखा गया है। और जब मूल संविधान में रखा गया था तो इसमें 14 भाषाओं को रखा गया था, इतना 14 भाषाओं को, लेकिन बाद में जोड़ जाड़ के इस समय इसमें कुल 22 भाषाओं को रख दिया गया है 8वीं अनुसूची में। तो 14 के बाद कह रहा है जो सबसे पहले जोड़ी गई थी, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ी गई थी। उसके बाद अन्य भाषाओं को जोड़ी गई, जो है कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और बोडो, डोंगरी, ये सब जो है जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले जोड़ी जाने वाली भाषा सिंधी है। बहुत बढ़िया साथियों, चले हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखें इसमें क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, सब के सब कंसेप्चुअल प्रश्न है साथियों। आप लोग देखेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है। तो साथियों ये राज्य सूची के विषय के बारे में बात कर रहा है। संसद राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बना देता है राष्ट्रीय हित में तो वह कितने दिन तक जो है प्रवर्तन में रहेगी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा एक वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आपको मालूम होगा अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यदि राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यसभा यह पारित कर दे कि राज्य इस पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है तो संसद उस पर कानून बना सकता है और वह कानून एक वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। एक वर्ष के बाद राज्यसभा को फिर से जो है वो अनुमोदन करना पड़ता है, तो फिर एक एक साल करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। वैसे तो आप लोग जानते हैं राज्य सूची, ये केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। राज्य सूची जो है राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सूची जो है संघ सूची केंद्र सरकार का विषय है।
तो लेकिन यहाँ संसद जो बनाती है कानून आमतौर पर वो केंद्र सूची पर बनाती है, लेकिन यहाँ कह रहा है संसद राज्य सूची पर बनाए तो वो कितनों दिन तक परिवर्तन में रहेगा, तो एक वर्ष। आगे देखें साथियों, ये देखिए प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति के द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब समझ रहे हैं आईएएस पीसीएस जैसी ये जो सर्विस है इसको समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग या समिति ने की थी? तो मेरे भाई राज मन्नार समिति, जो 1969 में गठित की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा यही राज मन्नार समिति गठित की गई थी। और राज मन्नार समिति ने इसके दो साल बाद 1971 में अपना रिपोर्ट दिया और बताया कि ऐसी सेवाओं को आईएएस पीसीएस यानी ऑल इंडिया सर्विस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग पाँचवें में, देखें पाँचवा सवाल। ऐसे सवालों को साथियों बहुत मज़ेदार होते हैं, आपको बिना हर्रे फिटकरी का ये सॉल्व हो जाते हैं। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा सत्य है। तो सत्य पे आप लोग जरूर मार्किंग करिए, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न आप गलत कर देंगे। तो सत्य प्रश्न कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर जब पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है, ये बात सही है, मान लीजिए हमको नहीं मालूम है। और यह इसके इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, यानी पांच संस्था की यह बॉडी होती है वित्त आयोग, ये भी बात सही है। अब साथियों अगर आपको ये दोनों मालूम नहीं हो फिर भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। देखें कैसे, क्योंकि इसके सदस्यों की योग्यता और उनका चयन करने का जो विधि निर्धारण करता है वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के द्वारा। आपको दिमाग लगाएंगे थोड़ा कि सदस्यों का चयन राष्ट्रपति कैसे करेगा, वो तो संसद करेगी ना, उनकी योग्यता का होगी कौन होगा तो वो संसद का काम है। तो यहाँ राष्ट्रपति दे दिया इसलिए यह गलत हो गया तीसरा। तो आप तीसरा जिसमें हो उसको काट दीजिए, वो आपका उत्तर नहीं होगा। इसमें तीन बैठा है, इसमें तीन बैठा है, इसमें तीन बैठा है। तो सीधी बात आपको केवल अगर इतना मालूम होगा, अगर पहला दूसरा नहीं मालूम है फिर भी आप इसको अपना उत्तर आसानी से निकाल कर लेके जा सकते हो। इसलिए आप कोई भी प्रश्न बड़ा देखा करो तो भागा ना करो, उसके साथ लड़ा करो। लड़ाई ही एक जो है एक विजय का प्रतीक होता है, मैदान छोड़ के ना भागा करो। आए देखें साथियों हम छठवें में क्या कह रहा है। देखें छठवें में साथियों एक बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक गलत सुमेलित है भाइयों, उसी को पकड़ना है हमें। तो आपको मालूम है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं, ये बात सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष साथियों गलत। आप लोग को तो इसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। आप लोग को एक आइडिया बता दूं, जो इस टाइप के प्रश्न देता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, तो ऐसे सवालों में उसी चीज़ में गलती करता है जो आप जानते रहते हैं, जो फेमस चीज़ें होती हैं। तो आप तो इसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, गांव के होंगे तो गांव में अगर आप प्रधानी लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, तो 18 साल नहीं। तो ये बी वाला गलत है और बी आपका उत्तर होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है। तो बाकी को हम पढ़ेंगे नहीं, हम आगे जा सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ने के याद करने के लिए पढ़ लीजिए कि पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे की जो स्तुति अशोक मेहता समिति ने की थी और पंचायतों में जो आरक्षण होता है वह अनुच्छेद 243 डी के तहत होता है। तो आगे चले हम लोग, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा बी क्योंकि ग्राम यही गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया, 21 होना चाहिए था। देखें सातवें में साथियों, यहाँ पर कह रहा है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको मालूम होगा संयुक्त लोक सेवा का मतलब साथियों ये होता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बना देना। जैसे अभी उदाहरण के लिए हम बताएं यूपी बिहार के लिए जो एक लोक सेवा आयोग बना देना दोनों का, तो इस टाइप का जो होता है इन्हें संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा गठन किया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा, यह संसद के द्वारा गठन किया जाता है। सातवां का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। बहुत बढ़िया साथियों, आगे हम लोग चलें, देखें इसमें क्या है, मानवाधिकार क्या है, इसमें मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019।
तो आपको मालूम है मानवाधिकार संरक्षण में ये संशोधन किया गया था 2019 में। फिर इसमें क्या किया गया, पहले इसकी जो है जो इसके अध्यक्ष होते थे मानवाधिकार संरक्षण के, तो इस आयोग के जो अध्यक्ष होते थे तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष होता था, तो लेकिन उसमें यह घटा करके 3 या 70 वर्ष कर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग को इस चीज़ से परिचित होंगे 3 या 70 वर्ष का मतलब क्या है, तो 3 साल के लिए नियुक्ति होगा, अगर अपनी कार्यकाल पूरा करने से पहले वह 70 साल का हो गया तो अपनी उम्र की वजह से रिटायर होगा। अगर 3 साल पर रिटायर हो रहा है तो यानी अपने कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो रहा है, जैसे ये 75 साल अभी कर दे कि प्रधानमंत्री 75 साल से ज़्यादा नहीं अपने पद पर रह सकता, तो मोदी जी अभी 74 साल के हैं, तो अभी मोदी जी चाहें तो 5 साल प्रधानमंत्री रह सकते हैं, लेकिन जब ये प्रावधान हो जाए 75 के ऊपर नहीं रह पाएंगे तो मोदी को पिछले साल यानी एक ही साल के बाद हटना पड़ जाएगा। तो यही बात है 3 या 70, यही बात हम समझाना चाह रहे थे आपको। आगे देखें हम लोग 9वें में, देखें 9वां में क्या कह रहा है, ये भी सवाल देखें, इसमें बहुत बढ़िया सवाल है, देखें क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, तो नहीं पर नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही है उसको बताना है। तो मालूम है आपको लोकपाल के पास CBI या CBC एजेंसियों को निर्देश देने की शक्ति है, तो आपको मालूम होगा लोकपाल साथियों ये जो है केंद्र स्तर पर जो है समस्याओं को सुनता है और उनका निराकरण करने का पूरा समाधान करता है, तो यही होता है लोकपाल, तो लोकपाल के संबंध में ये बातें सही हैं। और दूसरा कह रहा है लोकपाल को हटाने के लिए संसद में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। साथियों ये बात सही है, लेकिन गलती यहाँ कर दिया, 50 सदस्य नहीं, जो सदन हटाना चाहते उसमें कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, तब ये हटाने के लिए वो हो सकता है याचिका। तो ये 2 अलग गलत हो गया, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 सही है। आगे हम लोग बढ़ जाएं 10वें में, देखें 10वें में क्या कह रहा है, 10वें में साथियों कह रहा है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सर कौन सा सही है। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद को आप लोगों को मालूम होगा साथियों, यह केंद्र राज्य या राज्य राज्य संबंधों को अच्छा कैसे हो इसके लिए गठन किया गया है, तो इसीलिए तो पहला कथन इसमें क्या कह रहा है, अंतरराज्यीय परिषदों का गठन संसद के द्वारा किया जाता है, तो मेरे भाई संसद के द्वारा नहीं, अंतरराज्यीय परिषद का गठन यह राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है, याद कर लीजिए आप लोग, राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये हमारा गलत हो गया, और इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है, केवल सलाह देता है बस, इसका इतना काम है कि आपका संबंध कैसे सुधरेगा, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो 2 केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है 10वें का। तो चले हम लोग आगे बढ़ जाएं, तो ये प्रावधान जो अंतरराज्यीय परिषद का है यह अनुच्छेद 263 में दिया गया है, याद करिए भी। आगे देखें हम लोग 11 में, देखें बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, ये आपको जो ये जो दिनचर्या की लाइफ है इसमें भी समझने का ये टॉपिक काम आएगा, कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मिली है, आप लोगों को मालूम है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी किसी व्यक्ति को सज़ा मिल गई और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने दया याचिका पेश करते, यानी अपनी जान की दया की भीख मांगे, दया याचिका बोला जाता है, तो दया याचिका पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो है क्षमा कर सकता है, और क्षमा 4 प्रकार से होती है आपको मालूम है, या तो उसकी सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर सकता है, सज़ा को हल्की कर सकता है, और सज़ा को जो है कम कर सकता है, या फिर उसको कुछ सज़ा कुछ समय के लिए रोक सकता है, ये 4 प्रकार के राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है क्षमादान की। तो इसमें कह रहा है कि किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है, यानी उसका दंड उसको मतलब जो दंड मिला है वही दंड रहे, लेकिन जो है उसकी उसका केवल टाइम कम कर दिया जाता है, तो साथियों उसके कहा जाता है रेमिशन, ये परिहार, ऑप्शन नंबर डी यही होता है, कि उसके दंड को न बदलिए, उसके दंड की समय को केवल कम, जैसे उसे मिला है कि इसको केवल 5 साल की सज़ा होगी, तो इसका मतलब उसे जो सज़ा मिली वही रहेगी, केवल 3 साल 2 साल कर देंगे ऐसा,
तो इसे परिहार कहा जाता है। और विराम क्या कहा जाता है, उसे कुछ समय के लिए उसकी सज़ा को रोक देना। लघुकरण का मतलब ये होता है उसकी सज़ा को हल्का कर देना, जैसे उसे फांसी की सज़ा मिली है तो उसे आजीवन कारावास कर देना। प्रविलंबन क्या होता है, ये भी एक तरह का मानवीय प्रकृति के आधार पर ये रोकने का है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पर, दंड के नेचर को बदले बिना उसकी सज़ा के टाइम को कम कर देना, परिहार। आगे चले हम लोग देखते हैं 12 में, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा था। तो साथियों ऐसे हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री हुए, और मोदी जी भी खुद ऐसे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो आपको यहाँ पर हम बता दें, बीपी सिंह भी मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा भी मुख्यमंत्री थे, ये सब प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन साथियों यहाँ पर जो चंद्रशेखर हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। इनका कार्यकाल 1990 से 1991 तक था चंद्रशेखर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगभग 8 महीने कार्यकाल इन्हें मिला था, तो ये जो है मुख्यमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखें साथियों, किस अनुच्छेद में संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से है। तो नगर पालिका ग्राम पंचायतों में अगर आरक्षण की बात करता तो 243D रहता, अभी मैं बताया था, लेकिन यह नगर पालिकाओं में पूछा है। तो नगर पालिकाओं में साथियों आप लोगों को मालूम है अनुच्छेद 243T 13 का हमारा उत्तर जो है वो डी हो जाएगा, ये होता है यहाँ पर। और इसमें जो यहाँ पर नगर पालिकाओं का गठन होता है क्यूब से, इसमें क्या बात है, 243 क्यूब का मतलब नगर पालिका गठन, और अनुच्छेद ये 343R का मतलब होता है नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना होती है, और जो एस होता है जो वार्ड समितियां होती हैं उसके गठन से संबंधित है। लेकिन आप लोग यही रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये डी में 243T, यह नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधित है, और 243D यह ग्राम पंचायतों में। 14 में देखें क्या है साथियों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ये सवाल पूछ रहा है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ये तो नहीं होगा, पहला वाला 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, तो ये जो है ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये वाला है 97वां संविधान संशोधन 2011। तो इसी के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। चले हम लोग अब अगला देखते हैं। तो हम लोग देख लिए थे 14, 15 हम लोगों को देखना है। तो देखें एक बेहतरीन सवाल ये भी, निम्नलिखित में से किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत परिषद। तो किस कह रहा है कि किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत नहीं है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में भी है, यहाँ आप लोग देखेंगे केरल में भी है, त्रिपुरा में भी, लेकिन मेघालय में नहीं है। यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सभी रहना चाहिए, तो लेकिन मेघालय में नहीं है। यहाँ पर जो होती है एक मेघालय में जनजाति परिषद नाम की संस्था होती है, वो होती है, त्रिस्तरीय पंचायत नहीं होता है वहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और डी में तीनों है, तीनों में नहीं है, ऐसा नहीं तीनों में नहीं है, केरल में है, त्रिपुरा में है, मेघालय में केवल नहीं है। तो इसका ये जो है सेट गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। 16 में क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। तो ऑल इंडिया सर्विस IAS PCS जैसी सेवाओं का ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 12, ये 16वें का हमारा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 312। 17 में क्या है देखते हैं, देखें देखने में बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं होना चाहिए इसमें। पहला क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन का जो है चयन करके उत्तर देना है।
तो भारतीय संघ की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है। तो साथियों ये बात गलत है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इनसे भी मिलकर बनी होती है। तो ये यहाँ पर पहला वाला हमारा ये गलत हो गया 17 का। तो 17 में तो ये गलत हो गया, जिसमें एक होगा गलत उसको काट दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बचा है 3 और 2। तो आगे हम लोग दूसरा वाला पढ़ें। तो राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते। साथियों गलत, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन मंडल तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन विधान मंडल के दोनों सदन नहीं होते हैं। विधान मंडल केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल विधायक यानी जो चुने जाते हैं तो वो होते हैं। इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया, जिसमें दो होगा वो भी गड़बड़। तो इसका मतलब हमारे पास केवल यही बच रहा है उत्तर, ये 3 होगा, 3 केवल सही है हमारा। तो क्यों सही है? लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति योग्य हो सकता है। यस, यानी जो जिसको हम राष्ट्रपति बनाने वाले हैं वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो आप लोग कमेंट करिएगा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब तो आपको मालूम होगा। तो केवल ए ऑप्शन सही है। 18, इसमें क्या कह रहा है, हमें सही कथनों को चयन करना है। तो सही कथनों को पहले चयन करना है तो पढ़ना पड़ेगा हमें। देखें, संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं है। सही बात है, कहीं पर आपको उल्लेख नहीं मिलेगा संविधान में उसको कैसे हटाया जाएगा। तो दूसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन योग्य होता है। यस, उपराष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचित के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दे तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध माने जाएंगे। तो नहीं साथियों, ये गलत है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जितना, उपराष्ट्रपति जितना काम किया है, जब उसके जो है उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया तो उसके सारे कार्य भी अवैध हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कार्य अवैध नहीं माने जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये तीसरा गलत हो गया, जिसमें 3 होगा वो गलत हो गया। इसमें 3 है ये गलत, इसमें 3 है ये गलत, इसमें 3 है ये गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि संविधान उपराष्ट्रपति का वेतन का कोई भी व्यवस्था नहीं है, वो संसद तय कर देती है। आगे देखें हम लोग 18 में 19 में। इसमें कह रहा है कि यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आप लोगों को मालूम हो केवल साधारण विधेयक ही जो है कि साधारण विधेयक के लिए जो है संयुक्त सदन बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि यदि कोई साधारण विधेयक है एक सदन से पारित हो गया और दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आपको मालूम है विधेयक समाप्त नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी, यदि संविधान संशोधन से मामला जुड़ा हुआ नहीं है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की गतिरोध दूर करने के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन बुला देता है। यानी लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को एक ही जगह बैठा कर तो वहाँ पर उसके जो है प्रोसेस को करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो बी हो जाएगा हमारा उत्तर इसका। आगे हम लोग बढ़ें 20 में। देखें इसमें क्या कह रहा है 20 वाले में, महान्यायवादी के संबंध में। आपको मालूम होगा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ये, महान्यायवादी के संबंध में कौन सा सही है। तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है तथा सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। यस, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, इसका मतलब यह हुआ राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। तो दूसरा वाला वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कर सकता है मेरे भाई, क्योंकि वह सरकार का आदमी नहीं है, वह केवल एक उसके तौर पर काम करता है सरकार के वकील के रूप में। तो बी वाला यहाँ पर ये हमारा 2 गलत हो गया। तो 2 जिसमें है उसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए। अब पहला सही है तो ये होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। यहाँ पर सारा ट्विस्ट जानते हैं कहाँ है, सारा का सारा ट्विस्ट यही है कौन सा असत्य है। अगर इस पर न्याय ध्यान देंगे तो गलत कर देंगे। तो कौन सा गलत है उस पर बताना है।
तो आपको मालूम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। तो सही बात है, 93 में ही किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ये बात सही है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 और सदस्य। यहाँ तक तो ये भी बात सही है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष होता है। तो ये दूसरा गलत हो गया, तो हमसे गलत ही पूछा है, तो गलत दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर हमारा। तो सत्य असत्य पर ध्यान दिया करिए। आगे देखें 22 में, देखें इसमें कह रहा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो आयुक्त का मुख्यालय है आयोग का, तो ये प्रयागराज में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, 22 का डी दिए हुए ऑप्शन में कहीं नहीं, यह है प्रयागराज में, इलाहाबाद। आगे देखें 23 में क्या है। तो 23 में साथियों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान है। तो किस में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य यानी कैग के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान किस में है। तो अनुच्छेद 148 में नहीं, 149 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोगों को मालूम होगा साथियों, ये जो ये क्या है 23वां का ये जो हमारा है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कमेंट बताइए कैग का जो है किस संविधान के किस भाग में ये प्रावधान दिया गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखें हम लोग, ये कहाँ हम लोग 23 पहुँचे, तब हम लोग चलेंगे 24 पे। 24 में देखें क्या है। तो 24 वाले में साथियों पूछा जा रहा है हमसे, नीति आयोग के संदर्भ में कथन दिया है। तो नीति आयोग के संदर्भ में ये जो कथन है, उसी कथनों को पढ़कर हमें जो है असत्य कथनों का उत्तर देना है। क्या असत्य, असत्य कथनों का उत्तर कैसे देंगे, तो चलिए जो गलत होगा उसको पकड़ना है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है तथा इनका कैबिनेट मंत्री समकक्ष होता है। तो ये बातें जो है साथियों जो है ये सही है, प्रधानमंत्री ही करते हैं अपनी कैबिनेट के समकक्ष, ये बात सही है। दूसरा क्या है, नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति एवं निश्चित काल काल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है तथा इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। ये बातें साथियों गलत है, तो गलत हमसे पूछा, गलत बी हो जाएगा। आगे चलें हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, तो ये जो राज्य मंत्री के समकक्ष लिखा है इसके नहीं, ये सचिव के समकक्ष होता है, सचिव। आगे बढ़ें हम लोग, तो उत्तर बी हो जाएगा, केवल गलत पूछा तो गलत जो है बी होगा। आगे देखें 25 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1964 ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। किसकी समिति पर, संथानम समिति के सिफारिश भी ये पूछता है, संथानम समिति की सिफारिश पर। 26 में देखते हैं, 26 में साथियों हमसे पूछ रहा है असत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य असत्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है साथियों, यहाँ पर आप लोग ध्यान जरूर दिया करिए, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न को गलत कर ले जाएंगे। तो देखें हम लोग क्या कह रहा है, लोकपाल के संदर्भ में दिया है। तो लोकपाल मैंने पहले बताया, लोकपाल और लोकायुक्त तो होते हैं, जिस तरह से लोकपाल केंद्र के लिए होता है और लोकायुक्त तो राज्य के लिए होता है, यह जो है जन समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इसके संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है। तो लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है, लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोपों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है, ये तो हमारा सही है, ये बातें सही है, ये आप चर्चा में आया था, इसको आप पढ़ेंगे तो इसके लिए केजरीवाल, अन्ना हजारे ये सब जो है इससे जुड़े हुए थे, यही बात थी, यही लोकपाल ही था जो बहुत बड़ी भूमिका निभाया केजरीवाल के राजनीति में आने का।
बी वाला है ये जो लोकपाल संस्था का चेयर पर्सन या भारत सरकार का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। यस, ये भी बातें सही हैं, तो यानी हमारा दोनों के दोनों बातें सही हैं, कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। 27 में देखते हैं, तो 27 में साथियों कह रहा है कि बेमेल यानी कौन सा गलत है, एक तरफ अनुच्छेद है दूसरी तरफ उसका विषय है, तो उसको बताना है कौन सा बेमेल है। तो बेमेल में साथियों यहाँ पर आपको एक मिलेगा, देख रहे हैं जो सबसे फेमस है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 साथियों आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर विषय केंद्र सरकार बना सकता है यानी संसद बना सकती है, तो इसमें ये समझौता समझौता नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता का बात 253 में है, इसकी बात 253 में है। तो और ये क्या होती है कि आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। इसको पढ़ लीजिए, आपका फैक्ट तैयार हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 28 में, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो साथियों आपको बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में ये जो समिति गठित होती है, तो वही समिति जिसको कहती है, तो राष्ट्रपति उसी को जो है नियुक्त कर देता है उसके अध्यक्ष को। तो इसमें 5 लोग होते हैं, आप ध्यान रखिए, तो आप सीख कि हमारा काम साथियों आपको कंसेप्ट देना, रटाना नहीं। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं समिति में, होम मिनिस्टर होते हैं, विपक्ष यानी राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता यानी अपोजिशन होता है, 3 हो गए, और एक होता है इसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा का उपसभापति 5 लोग हो गए, तो इनमें केवल यहाँ पर दिया है कि उपाध्यक्ष नहीं होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा उत्तर होगा, कौन सा शामिल नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो साथियों इस सब को मैं, हमारे पास तो बड़े संसाधन नहीं है, मैं भी जो भी टूटे फूटे अक्षरों में लिखता हूँ इसे याद कर लीजिए, जैसे ही हम हमारा संसाधन अपने जुटाने में सक्षम हो जाएंगे, तो चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से हम अप्लाई करने, मतलब चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से हम व्यवस्थित करेंगे। आगे देखें हम लोग साथियों 29 में, गलत कथन का चयन करना है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में गलत कथन को बताना है हमें, कौन सा गलत है। तो इसके न्यायिक क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री, राजदूत मामले भी शामिल है। मेरे भाई गलत, ये अमेरिका में ऐसा होता है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक अलग हिस्सा है, जो नौसेना या सैनिक, आप लोग सुने होंगे सैनिक कोर्ट, ये सब जो है, और ये सब कोर्ट जो होते हैं उसके लिए अलग बनाया गया है, तो ए हमारा गलत हो गया। तो 29 का हमारा ए हो जाएगा, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। पसीने हो गया है साथियों,
सही है, गलत पूछा है। तो पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी, ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी सही है। अशोक मेहता से संबंधित, तो पंचायती होनी चाहिए, तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात की थी। कितना? द्विस्तरीय पंचायत जो हो केवल दो लेवल का होना चाहिए। 32 में देखते हैं, देखें 32 में क्या, एक तरफ अनुच्छेद, दूसरी तरफ संबंधित विषय। तो अनुच्छेद संबंधित विषय, सही युग्म का आपको चुनाव करना है। अनुच्छेद 243 डी का पंचायतों की संरचना, मेरे भाई पहला ही गलत दे दिया। अनुच्छेद 243 डी जो होता है वह पंचायतों की संरचना नहीं बल्कि पंचायतों में आरक्षण से संबंधित मामला है, पहला ही गलत हो गया। तो ये तो गलत हो गया, अनुच्छेद 243 के ये निर्वाचन से संबंधित है, तो जो है ये सही है, ऑप्शन बी तो सही लग रहा है। हाँ ये सही है, निर्वाचन तो पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है, ये बातें सही हैं। और 243 जी जो है ये भी गलत है, ये इसमें पंचायतों की शक्तियाँ का प्रावधान है और जो पंचायतों की संरचना है वो इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है, केवल 32 का बी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बहुत बेहतरीन प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और चीज़ें बहुत अच्छी है। कह रहा है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा? आपको मालूम है 11वीं अनुसूची हमारी पंचायत से संबंधित है, तो पंचायत में कितने विषय मिले हैं पंचायतों को, ये ग्रामीण सूची हमें, ये ग्रामीण सूची से पता चलती है। तो कौन सा ग्रामीण सूची से संबंधित विषयों से नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक जगह लिखा है निर्धनता, नगरी निर्धनता उन्मूलन, तो नगरी आ गया, इसका मतलब यह अनुसूची 12 से है क्योंकि 12 में नगरी से तो बातें की गई है, तो इसका मतलब ए नहीं है और बाकी सब हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यही केवल एक नहीं है और बाकी यहाँ जो दिया है सब 11वीं अनुसूची से संबंधित हैं, केवल एक नहीं है, एक 12वीं अनुसूची से होना चाहिए। आगे देखें हम लोग 34 में क्या है, कौन सा सही है? तो भारत की संघी व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, सही बात है, कनाडाई संघी व्यवस्था इसी मॉडल पर आधारित है। और भारतीय संघ में राज्यों के बीच आपसी सहमति का प्रतिफल है, नहीं मेरे भाई, आपसी सहमति का प्रतिफल नहीं है ये, क्योंकि आपसी सहमति ये केंद्र को सशक्त बनाता है, इसलिए है, आपसी सहमति से नहीं होना, आपसी सहमति से होता तो सारे राज्य जो है अलग बना लेते, अपनी मनमानी करने लगते। तो बी हमारा ये गलत हो गया, तो केवल एक सही है, 34 का ए हो जाएगा। 35 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर आपातकालीन की घोषणा नहीं की जा सकती? साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा आंतरिक विद्रोह, इसके आधार पर राष्ट्र ये आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती। आपको मालूम होगा 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था तो आंतरिक विद्रोह का हवाला देकर आपातकाल लगा दिया था, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी का बहुत विरोध हुआ, वो चुनाव हारी और जो जनता पार्टी सरकार में आई तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया कि आंतरिक विद्रोह से अब नहीं लगाया जा सकता आपातकाल, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया, यानी युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, आंतरिक विद्रोह के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यह भी कभी पूछे इंदिरा गांधी ने किसके आधार पर आपातकाल लगाया था, तो आंतरिक विद्रोह के कारण के आधार पर। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर 36 में, देखते हैं क्या है साथियों, एक बेहतरीन प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि असत्य है, कौन सा गलत है? तो साथियों इसमें कह रहा है 359 जब आपातकाल लग जाता है तो न्यायालय में जाने के लिए नियंत्रित करता है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल में प्रभावी रहता है, तो यस ये बात सही है कि पहले ऐसा नहीं था लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये किया कि जब आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 लागू रहेंगे, उनको
नहीं निलंबित किया जा सकता। तो यहाँ पर साथियों कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं, असत्य कोई नहीं है। 37 में निम्नलिखित में से किस एक संसदीय समिति को कैग का मार्गदर्शन प्राप्त होता है? ऐसी कौन सी समिति है जिसे कैग का मार्गदर्शन यानी नियंत्रक महालेख परीक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त होता है? तो लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। आपको मालूम होगा 22 सदस्यों से मिलकर यह समिति बनती है, 22, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। आगे चले हम लोग, 38 में क्या है, अनुच्छेदों को किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता? तो साथियों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर है तो कोई भी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता, यह किस में कहा गया है, यही आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा अनुच्छेद 59 है, अनुच्छेद 59, तो इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई और पद को ग्रहण नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम लोग, 39, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है अनुच्छेद 60 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 में साथियों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो साथियों उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित भी मनोनीत भी, तो राज्यसभा में मनोनीत भी होते हैं ना, शिक्षा साहित्य कला विज्ञान के आधार पर, वो भी वोट देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, तो याद रखिएगा इनमें अंतर। 41 में क्या है, देखें 41 में कह रहा है आपसे, आपको एक कथन दिया है, देखें कथन कारण वाला सवाल है, कथन है, लोकसभा के अध्यक्ष को सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विमर्श का माध्यम माना जाता है, तो ये बात सही है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है साथियों वो सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य एक पुल का काम करता है, सही है, संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है, ये भी बातें सही है, यानी ये व्याख्या भी इसका कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 में साथियों, इसमें 42 में कह रहा है कि चुनाव आयोग के संदर्भ में कथन दिया है, इन्हीं कथनों में से हमें सही कथन को पकड़ना है। तो चुनाव आयोग एक बहुस्तरीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें 3 चुनाव आयुक्त तो शामिल है, यस सही बात है। चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव अधिसूचित करता है, ये भी बातें सही है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने, विवादों को सुलझाने, चुनाव चिन्हों को बांटने, ये सब का काम करता है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर डी सही है, चुनाव आयोग के संदर्भ में तीनों बातें सही हैं। आगे चले हम लोग, 43 में सही कथन को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए, आशा पूर्णा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, तो साथियों ये बातें गलत है, यहाँ पर जो 43वें में पहली बात लिखी गई है ये बातें गलत हैं, क्योंकि रमा देवी थी, आशा पूर्णा देवी नहीं, यहाँ रमा देवी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी, तो ये याद रखिएगा इसे। और अगर पहला पूछे, पहला चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन, तो दूसरा में तो सभी को मालूम है ये 25वें हैं, इस समय जो राजीव कुमार हैं ये 25वें चुनाव आयुक्त हैं, तो यहाँ पर केवल 2 हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए केवल 2 सही है। 44 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है, यानी किसी IAS IPS को अगर बर्खास्त करना हो, निलंबन करना हो, तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 317 में। आगे चले देखें, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यानी दो राज्यों के अगर एक ही लोक सेवा आयोग बनाना होगा तो उसके सदस्यों की अध्यक्ष या उसके सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बातें सही है,
तथा उनका कार्यकाल कब तक होता है। तो साथियों उनका कार्यकाल यहाँ भरना है, उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होता है यही। जबकि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उनका जो है 6-65 होता है। आगे बढ़े हम लोग 46। निम्नलिखित में से प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था साथियों वो 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। वित्त आयोग का गठन आप लोगों को मालूम है अनुच्छेद 280 के में प्रावधान है इसका। आगे देखें, सांविधिक आयोग नहीं है, तो यहाँ पर उल्टा आप लोग इसे सोचा करिए, जहाँ भी नहीं आए तो आप लोग तुरंत उल्टा सोच लिया कि सांविधिक आयोग नहीं है, इसका मतलब वो संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग क्या होता है, जिसकी चर्चा संविधान में की गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की चर्चा संविधान में की गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये सब की चर्चा संविधान में है, जबकि ये सब सांविधिक आयोग हैं, यानी इनको एक केवल बनाया गया, इनकी संविधान में चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यह सांविधिक आयोग नहीं है, बाकी सब हैं। देखें प्रोटेम स्पीकर, बहुत बढ़िया सवाल आ सकता है ये। इस साल जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें प्रोटेम स्पीकर चुना गया भर्तृहरि महताब को, जो नवनिर्वाचित सांसद चुनकर आए थे उनको शपथ दिलवाने का काम होता है, और प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो सामान्यतः सबसे सीनियर सदस्य होता है। तो ये बातें दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 में देखते हैं क्या है, 49 में साथियों क्या कह रहा है हमसे, धन विधेयक के संदर्भ में असत्य को बताइए। धन विधेयक की चर्चा साथियों आप लोगों को मालूम होगा, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है और राष्ट्रपति जब बन के आता है तो राष्ट्रपति उसे वापस नहीं कर सकता, न ही उसे मना कर सकता है, क्योंकि उसके अनुमति से ही पेश किया गया था। तो कौन सा असत्य है इसके बारे में बताइए। तो इसमें एक लिखा है 4th में, संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। नहीं मेरे भाई, केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि कोई भी नहीं, केवल मंत्री बस, और बाकी सब सही हैं धन विधेयक के संदर्भ में बातें। आगे देखें हम लोग 50 में, कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों में 11-11 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि ओडिशा में 10 सीटें हैं, तो ओडिशा में एक समान नहीं है, बाकी तीनों में एक समान है। 51 में, स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को किस अधिकार का संरक्षण नहीं करता है। तो साथियों स्वतंत्रता का अधिकार जो है नागरिकों के किस अधिकार का संरक्षण नहीं करता है उसे पकड़ना है। राजनीतिक दल बनाने का भी है, देश में निर्बाध रूप से संचरण करने का भी है, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का भी है, जनजाति क्षेत्रों के बाहर लोगों का प्रवेश प्रतिबंध, ये भी बातें सही हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जनजातियाँ हैं आप जाएंगे तो आपको एलियन समझेंगे, मार देंगे, तो इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभियोग लगाने का मौखिक अधिकार, यानी 5वां, केवल 5वां नहीं है बाकी सब हैं, ऑप्शन नंबर ए सत्य है। आगे बढ़े हम लोग 52, तो इसमें कह रहा है कि एक कथन दिया है और एक कारण। तो कथन में है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से भी बर्खास्त कर सकता है। तो साथियों नहीं, जब तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है तब तक जो है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, यानी जब तक मोदी जी के साथ, अभी उदाहरण बता रहे हैं, नीतीश और नायडू हैं उनके पास बहुमत है, तब तक द्रौपदी मुर्मू उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन ये दोनों जो है दाएं बाएं से हट गए तो सरकार गिर जाएगी, इनका बहुमत चला जाएगा, तो उनको द्रौपदी मुर्मू को बर्खास्त करना पड़ेगा, सॉरी मोदी जी कहकर। तो ये तो बातें, उसके पद से बर्खास्त कर सकता है तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसकी बहुमत है तब तक नहीं कर सकता। तो ये बातें गलत हो गई हमारी, तो ये बातें गलत हैं, तो इसका मतलब डी हो जाएगा, बिना सोचे समझे लगा दीजिए, क्योंकि यही हमारा ऑप्शन कह रहा है। और बाकी आर तो सही है, प्रधानमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है, ऐसा नहीं जब चाहे राष्ट्रपति हटा दे, यानी उसका बहुमत जब तक रहे
तब तक राष्ट्रपति उसे नहीं हटा सकता। बहुमत जिस दिन ख़त्म हो जाए तो उसे राष्ट्रपति तुरंत हटा देगा। इसलिए कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 53 में साथियों देखें क्या कह रहा है, कौन सी संविधान की संघी विशेषता नहीं है, फेडरल फीचर कौन सा नहीं है, तो संविधान की सर्वोच्चता है। संघी व्यवस्था का मतलब कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो और एक एकीकृत व्यवस्था होती है, तो यानी सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। तो याद रखिएगा इन दोनों को, संविधान की सर्वोच्चता ये सही है संघीय व्यवस्था के संबंध में, लेकिन हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भी है संघीय व्यवस्था, यानी ये दोनों हैं संघीय व्यवस्था, लेकिन हमसे पूछा है संघीय नहीं है, यानी एक और दो जिसमें रहेंगे वो गलत हो जाएगा, एक इसमें है दो इसमें है एक दो इसमें है, यानी ये सब गलत हो गए, ऑप्शन बी सही होगा, यानी ये तीनों संघीय व्यवस्था नहीं है, ये सब एकीकृत व्यवस्था है। आगे देखें 54 में, इसमें साथियों कह रहा है भाग 3 अनुच्छेद 268 में वर्णित है कि टैक्स केंद्र सरकार लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं, तो साथियों नहीं, ये गलत है, ये 269 में है, 269 रहता तब ये बातें सही होती, तो ये गलत हो गया, तो हमारा ये गलत हो गया। अब दूसरा वाला पढ़ें तो भाग 12 में अनुच्छेद 268 ए में वर्णित करता है कि सर्विस टैक्स सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों के मध्य एकत्र करके विनियोजित किया जाता है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 54 का सही है, यही वाली बात सही है हमारा 54 का। आगे हम लोग चलें अब तो 55 में क्या कह रहा है, किन राज्यों का संबंध महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 से जुड़ा हुआ है, तो साथियों जल विवाद का ये मामला कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा से जुड़ा हुआ है। 56 में देखें, कथनों पर सही विचार करना है, तो सही विचार करके हमें कथनों को बताना है, तो क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय हैं, ये बातें सही हैं, लेकिन यहाँ एक तीसरा आप पढ़िए तो जल्दी हो जाएगा आपका। लखनऊ कह रहा है क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में नहीं भाई प्रयागराज में है, तो ये गलत हो गया, यानी 3 जिसमें रहेगा गलत, ये गलत हो जाएगा और एक होना चाहिए, तो एक और दो सही है, ये भी वाला सही है, 5 क्षेत्रों में है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा। आगे चले हम लोग 57 में देखें 57 में क्या है, अनुच्छेद 352 संबंध में क्या सही है, तो सही पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था मूल संविधान में, यस था, लेकिन उसे सशस्त्र विद्रोह के नाम से रिप्लेस कर दिया गया, आपातकाल घोषणा मंत्री परिषद की अनुशंसा पर करने के बाद ही की जा सकती है, यस, आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, यानी डी सही होगा, तीनों कथन सही हैं। देखें हमारा 58 में वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं, तो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं साथियों, वित्त आयोग का जो मामला जो दिया है अनुच्छेद 280 में है, तो वित्त आयोग के संदर्भ में ये संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, इसकी योग्यता क्या होगी कौन होगा ये सब संसद द्वारा निर्धारित होंगे। 59 प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपना प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय वो किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं थे, प्रधानमंत्री बने फिर बाद में लोकसभा का चुनाव उपचुनाव हुआ फिर जाके वह सदस्य बने लोकसभा का, तो ये हैं पीबी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जो बने थे 1991 से 1996 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। 60 का, तो 60 में साथियों ये है कि अनुच्छेद 60 क्या करता है, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, तो यहाँ चला आएगा। 59 क्या है, उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। 76 महान्यायवादी, 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी हमारा डी 1 पर रहना चाहिए,
और ए 3 पर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर ये। आगे चलें हम लोग अब, तो क्या है, कह रहा है कि अनुच्छेद 143 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे वाद को जो किसी ऐसी संधि, ठेका, सनद आदि से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान में लागू होने के पूर्व की गई थी, उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेजा जा सकता है। तो इस संबंध में क्या हो सकता है? तो साथियों, इस संबंध में क्या हो सकता है? उच्चतम न्यायालय ऐसे परामर्श देने के लिए बाध्य होगा। सही बात है, उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये दोनों सही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ये डी सही है इसका। 62 में क्या है, कथनों पर विचार करना है, विचार करके सत्य कथन को चुनना है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तथा उसके पद से हटा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है उसके विरुद्ध जब कदाचार और अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए। सही बात है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। जी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। 63 में देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक में वर्णित किया गया है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति किसी भी सदस्य जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात नहीं रख सकते तो उनको अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दी जाए। जैसे अभी हमें संसद सदस्य बन गया सांसद और हमें हिंदी या अंग्रेजी नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ साहब हम भोजपुरी बोलेंगे, तो वो अपनी हमारी मातृभाषा में बोलने के लिए जो अनुमति देंगे तो वह किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 120 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि उसे अपनी मातृभाषा में बोलने दिया जाए। तो 64 में बोलें देखें, अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। यस, राष्ट्रपति को ऐसा शक्ति मिला है 64 का, तो हमारा ये एक सही है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकती है। तो साथियों यहाँ पर जो है असत्य, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या है इसमें। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। तो साथियों ये बातें गलत हैं, कह रहा है कि ये बातें हमारा ये बातें सही हैं साथियों, लेकिन हमसे गलत पूछा है ना, असत्य को बताना है, तो ये बातें जो है असत्य हैं। क्यों असत्य हैं ये? अनुच्छेद 341 के तहत मेरे भाई ये राष्ट्रपति द्वारा ये अनुसूचित जनजाति को नहीं बल्कि एससी यानी अनुसूचित जाति को घोषित कर सकता है, और इसमें 242 के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं बल्कि एससी यानी अनुसूचित जनजाति को घोषित कर सकता है ये। तो यहाँ पर ये दोनों उल्टे हो गए, यानी दोनों गलत हो गए। 67 में देखते हैं, 65 तो हो गया हमारा, 65 में, अच्छा 65 ही है, 64 हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों पर किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 165 में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो साथियों यह सरकारी आयोग ने करा था, केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए आयोग गठित किया गया था। तो इन्हें कहा था कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर दिया जाए, संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति जब होगी तो उससे पहले वहाँ का जो राज्यपाल रहा उससे परामर्श लेना चाहिए। तो अनुच्छेद 107 के संबंध में लोकसभा का विघटन से संबंधित कौन सा कथन है उसी को हमें बताना है। राज्यसभा में मतलब कह रहा है अनुच्छेद 107 में ऐसा प्रावधान दिया है कि लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो जो विधेयक रहते हैं तो उनके साथ क्या होगा? तो आपको बता दें, जैसे अभी मोदी सरकार है, इन्होंने कोई विधेयक पास किया लोकसभा से और वह राज्यसभा में गया,
उसके बाद नीतीश नायडू ने टांग खींच लिया, सरकार गिर गई। तो ऐसा नहीं कि लोकसभा से पास हो गया और दूसरी सरकार आएगी तो राज्यसभा से पास कराकर कानून बना, नहीं भाई वो रद्द हो जाएगा, वो जो विधेयक था विधेयक ही रद्द हो जाएगा। तो ये हो गया एक तो ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे राज्यसभा से कोई पारित हो गया, राज्यसभा तो एक अस्थाई संस्था है, वो विघटित नहीं होती है, राज्यसभा से पारित हो गया लोकसभा में आया तो लोकसभा में आते ही मोदी सरकार गिर गई, तो क्या हुआ क्या होगा, तब दूसरी सरकार आएगी तो राज्यसभा जो पारित हुआ रहेगा उसी को लोकसभा में पारित कराया जाएगा और रद्द नहीं होगा। तो यही बात है, इस संबंध में दोनों के दोनों कथन यहाँ सही है, हमारा 66 का दोनों सही है। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे हम लोग 67 में देखते हैं क्या है हमारा। निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व? निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए निर्वाचक अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली में होता क्या है कि जिसको जितना वोट मिलता है उसको उतना सीट मिल जाएगी। अभी जैसे ओबीसी चुनाव लड़ें तो उनको 5% मान लीजिए वोट मिले, तो बेचारों का जो है वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ उनका वोट, तो बहुमत दल अपने यहाँ बहुमत से तय होती है जीत हार, तो 5% वोट पाए लेकिन एक भी सीट में वो बहुमत नहीं आ पाए, लेकिन वोट तो 5% मिला लेकिन सीट कोई नहीं मिल पाई। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि जिसको जितना वोट मिला उसको सीट मिल जाएगी। यानी अब क्या होगा अनुपातिक में, अगर अनुपातिक अपने यहाँ सिस्टम होता तो ओवैसी 5% वोट पाते तो उनको 5% सीटें भी दी जाती। 5% सीट कितना होगा, 543 का लगभग 25-26 सीटें उनको मिल जाती। तो लेकिन अब ऐसे कोई नहीं मिला क्योंकि अपने यहाँ बहुमत का खेल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित करता। यानी जो अल्पसंख्यक हैं बेचारे वो वोट डालेंगे, उनका वोट कम है तो वो सीटों में कन्वर्ट तो नहीं हो पाएगा बहुमत वाले में, लेकिन जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला सिस्टम रहेगा तो उनका जितना वोट रहेगा उनका उतने उतना उनको ताकत भी मिल जाएगी। 68 में क्या है, समवर्ती सूची के विषय पर, समवर्ती सूची विषय पर को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होगा? तो साथियों समवर्ती सूची जानते हैं क्या होता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का शक्ति है, लेकिन अगर इसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाए, राज्य कहे हम बनाएंगे, केंद्र कहे हम बनाएंगे, मोदी जी कहें हम बनाएंगे, योगी जी कहें हम बनाएंगे उस पर, तो उसमें क्या होगा कि मोदी जी वाला लागू होगा, यानी केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखें, अब तो इसमें क्या है, 59 में महान्यायवादी को देश का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। यस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी पर नियुक्त किया जाता है। यस, ये भी बातें सही है, महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जाता है। नहीं भाई गलत है, महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, तो 1 और 2 केवल सही है। आगे देखें हम लोग 70 में, 70 में साथियों क्या है, देखने में तो भारी भरकम है, दम तो नहीं होगा इसमें, भारत के उपराष्ट्रपति के पद उसको हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद को कैसे हटाया जा सकता है साथियों, उसको पहले 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, बात सही है। राज्यसभा में एक ऐसे संकल्प के पद के द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य पूर्ण बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है। यस, उसे यानी उपराष्ट्रपति को हटाना होता तो केवल राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। तो इसमें लिखा है पहले वाले में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी पेश किया जा सकता है। नहीं, मैंने पहले बताया ना वो केवल राज्यसभा में, तो एक गलत हो गया, तो एक जिसमें होगा वो गलत, ये गलत ये गलत ये गलत, तो ऑप्शन बी सही है। 71 में देखते हैं साथियों, 70 हो गया। तो साथियों वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि चीज़ों को हमने अच्छे से समझाया है, तो आपको देखने में भी दिक्कत होगी, तो हम इसके लिए Part 2 लेकर आएंगे। अभी हमारा आधा बचा है तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 75 क्वेश्चन हमारा हुआ और बाकी का जो हमारा 75 है उसको हम लोग
पार्ट टू में करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।